हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। बेटा, आज हम ईवीएस का सेकंड सेमेस्टर का लेसन पढ़ने जा रहे हैं। लेसन नंबर 12, गुड हैबिट्स। ओपन योर ईवीएस बुक्स, कीप योर फिंगर ऑन योर बुक्स। हाँ जी, क्लीनलीनेस इज अ गुड हैबिट। क्लीनलीनेस होती है साफ सफाई। जो साफ सफाई है वो क्या है? गुड हैबिट है, अच्छी हैबिट है, आदत है हमारी। वी मस्ट कीप अवर बॉडी क्लीन एंड हेल्दी। हमें अपनी जो बॉडी है, हमारा शरीर है, वो साफ सुथरा रखना चाहिए और तंदुरुस्त रखना चाहिए। क्लीन मीन्स साफ सुथरा, हेल्दी मीन्स तंदुरुस्त। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सवेर, सुबह को हमें जल्दी उठना चाहिए। गेट अप अर्ली। गेट अप मीन्स उठना, अर्ली मीन्स जल्दी। ब्रश योर टीथ डेली। अपने जो टीथ हैं, जे वाले दांत हैं, उनको आपने हर रोज क्या करना है? ब्रश करना है। डेली मीन्स हर रोज। टीथ मीन्स दांत। डू योर एक्सरसाइज डेली। हमें कसरत करनी चाहिए हर रोज। टेक बाथ एवरी डे। हर रोज हमें क्या करना चाहिए? नहाना चाहिए, एवरी डे, हर एक दिन। वॉश योर हैंड्स बिफोर मील्स। खाना खाने के बाद, मील्स होता है खाना, खाना खाने के पहले, बिफोर मीन्स पहले, खाना खाने के पहले आपने वॉश करने हैं। अपने क्या करने हैं? वॉश हैंड्स, अपने हाथ धोने हैं खाना खाने के पहले। कट योर नेल्स रेगुलरली। अपने जो नेल्स हैं, कई बच्चों के नेल्स बहुत बड़े हुए होते हैं, उनमें मैल भी बहुत होती है। आपने अपने नेल्स गंदे नहीं रखने और साफ भी रखने हैं। और कट योर नेल्स रेगुलरली। आपने रेगुलरली मतलब लगातार अपने नेल्स जो है वो काटते रहना है। यदि लगता है आपको कि थोड़े नेल्स बढ़ गए हैं, तो आपने अपने पेरेंट्स से अपने नेल्स कटवा लेने हैं। ऑलवेज ईट फ्रेश एंड क्लीन फूड। हमेशा हमें फ्रेश, ताज़ा एंड क्लीन, साफ सुथरा भोजन ईट खाना चाहिए। ऑलवेज मीन्स हमेशा। टेक अ बैलेंस्ड डाइट। हमें संतुलित खुराक लेनी चाहिए। डाइट मीन्स खुराक। क्लीन योर माउथ एंड नोज विद हैंडकरचीफ। रुमाल के साथ अपना जो मुंह है और नाक है वो साफ करना चाहिए। हैंडकरचीफ होता है रुमाल। कीप योर रूम क्लीन। अपना जो रूम है, कमरा है, उसको क्लीन, साफ सुथरा रखना चाहिए। थ्रो वेस्ट पेपर इन द डस्टबिन। जो वेस्ट पेपर है मतलब फालतू जो कागज पत्र होते हैं, वो कहाँ हमें गिराने चाहिए, थ्रो करने चाहिए, फेंकने चाहिए? डस्टबिन में। डस्टबिन वो होता है, जैसे हमारी क्लास में बेटा पड़ा है रूम में डोर के पास, जिसमें हम कूड़ा करकट वगैरह डालते हैं, उसको डस्टबिन बोलते हैं। कीप योर बुक्स एट अ प्रॉपर प्लेस। हमें अपनी एक प्रॉपर, ठीक जगह पर, उचित जगह पर क्या करना चाहिए? बुक्स हमारी, किताबें रखनी चाहिए। किसी सेल्फ वगैरह पे जो आपको मतलब अलग से बना के दी गई है, स्टडी रूम है कोई आपका, कोई टेबल दिया गया है, उसके ऊपर आपको प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से अपनी किताबों को रखना चाहिए। कीप योर टॉयज एट प्रॉपर प्लेस। और प्रॉपर प्लेस पे, उचित जगह पे ही, ठीक जगह पे ही आपको अपने जो टॉयज हैं, खिलौने हैं, वो रखने चाहिए। आगे आ गया बेटा सम डॉन्ट्स, जो आपने नहीं करने। जे तो थे जो आपने करनी है बातें, अपनानी है, और जे जो है जो आपने, वो है जो आपने नहीं करनी। डू नॉट बाइट योर नेल्स। आप, कई बच्चों को आदत होती है मुंह में नेल्स ऐसे ना मुंह में लेकर ऐसे चबाते रहते हैं, तो आपको अपने नेल्स हैं मुंह के साथ वाइट नहीं काटने, नहीं चाहिए वाइट नहीं करने चाहिए, क्योंकि उनमें गंद, मैल वगैरह फंसी होती है, वो आपके मुंह में जाएगी और जर्म्स जाएंगे आपके मुंह में, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। डू नॉट पिक योर नोज़। आपको अपनी जो उंगल वगैरह है वो नोज़ में नहीं डालनी चाहिए। डू नॉट स्पिट ऑन फ्लोर। आपको फर्श के ऊपर, जैसे आप कई बार रूम में बैठे हो तो आपको थूक आता है, तो वहीं आप थूक देते हो, ऐसे आपको जहाँ कहाँ नहीं थूकना चाहिए, हर एक जगह पर आपको नाली वगैरह में, जहाँ सिंक वगैरह में थूकना चाहिए। डू नॉट राइट ऑन द वॉल। आपको दीवार के ऊपर, जैसे ये दीवार बनी हुई है, इसके ऊपर नहीं लिखना चाहिए। प्रिपेयर पोस्टर स्टिक नो विल्स एंड पुट इट ऑन अ वॉल। हाँ जी, आगे आ गया। डू नॉट वेस्ट फूड। आपको जो कोई भी आपका खाना है, जैसे आप क्लास में भी खाना छोड़ देते हो, तो आपने वो वेस्ट नहीं करना, नीचे नहीं गिराना, ऐसे वैसे नहीं गिराना, तो आपने वो, जैसे एनिमल्स वगैरह को हम डाल देते हैं, उनको डाल देना चाहिए।
जानवरों को डाल देना चाहिए या पंछी वगैरह को डालना देना चाहिए, डस्टबिन में नहीं डालना चाहिए आपको। डू नॉट टेक फास्ट फूड, आपको जो फास्ट फूड है जैसे बर्गर पिज्ज़ा वगैरह हो गया, समोसे वगैरह हो गए, वो नहीं लेने चाहिए, खाने नहीं चाहिए। ओके बेटा, थैंक यू।